बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडस्ट्री एक्सपर्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो FIA इंस्पेक्टर पेपर 6/1/2019 अभी अभी जो पेपर हुआ है उसका लेसन नंबर 1 है। कुछ क्वेश्चन मेरे हाथ आए हैं, बाकी क्वेश्चन जितने मेरे पास आएंगे उनको भी अपलोड करता जाऊंगा। अब तकरीबन 2 पेजेस मेरे पास हैं। देखिए दोस्तों, ये एक पेज है, इसका पेपर क्वेश्चन नंबर 40 से है, क्वेश्चन नंबर 40 से है, इसको शुरू करते हैं। और इसके साथ और पेज है, उसको दूसरी वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा। जिन आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिनके पास पेपर हैं तो प्लीज मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, देश वन। देखिए दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 इन द न्यूमरल, ये एक हिंसा दिया गया है, इसको जरा गौर से देखें दोस्तों। इसमें कहते हैं कि 8 दो जगह है और इन दोनों के जो प्लेस वैल्यूज है उनमें डिफरेंस क्या है। इसको अगर आप गौर से देखें तो पहला वैल्यू जो 8 का है, देखिए दिस वन, ये वाला, ठीक है दोस्तों, तो इसका बनता है 80,000, और दूसरा प्लेस वैल्यू दूसरे का बनता है 80, तो 80,000 में से अगर आप 80 माइनस करें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये देखिए ऑप्शन बी को, 10 दिसंबर, हर साल 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, सेकंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP समिट वॉज हेल्ड इन 2018। इसका समिट जो हुआ था 2018 में वो कहां पर हुआ था? वो सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, वेयर इज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड, इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? दिस इज इन बीजिंग चाइना, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडोनेशियन करेंसी, इंडोनेशिया करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज सी, रुपया, इंडोनेशियन करेंसी को रुपया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज द करंट ईरानियन प्रेसिडेंट, मौजूदा वक्त में ईरान का प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन बी में देखें दोस्तों, हसन रोहानी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, 640 talk was to find peaceful solution to the security concerns against North Korean nuclear weapon program, correct option is C. Question number 47 ko dekhe. Question number 47, US withdrew from Iran nuclear deal on, US ne kab न्यूक्लियर प्लांट ईरान के न्यूक्लियर डील से विथड्रॉ किया था? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है दोस्तों, 8 मई 2018। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 48, दिस वन, द 10th इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार IDEAS 2018 वाज हेल्ड बिटवीन, ये दोस्तों कराची में हुआ था 2018 में, और ये 27 से लेकर 30 नवंबर 2018 को था, और इसका इनॉग्रेशन जो था वो सदर पाकिस्तान आरिफ इलवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, दिस वन,
Which country is going to host SAF, South Asian Football Federation Championship in 2020? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास पाकिस्तान है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 50, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बिलोंग्स टू. ये दोस्तों ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है दोस्तों. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 51, हु इज द करंट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर. तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन डी है. करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 52, हु इज द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्बेसिडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशन. दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मलीदा लोही. लोदी, मलीदा लोदी ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 53 को देखें. क्वेश्चन नंबर 53, पाकिस्तानी नेम्ड अमंग पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड 2018 बाय फोर्ब्स मैगजीन इज जनरल कमर बाजवा. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन इज बी. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 54 देखें. इन जून 2018 पाकिस्तान अलॉन्ग साइड ब्लैंक स्पेस हैज शोज इंटरेस्ट इन बिकमिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA अलॉन्ग साइड चाइना. इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 55 को देखे. फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन अरब वर्ल्ड विच वॉज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2018 इज लोकेटेड इन UAE. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 56 को देखे. UNHCR इंक्ड प्रिलिमिनरी प्लान ऑन रोहिंग्या डिपोर्टेशन इन अप्रैल 2018 विद बांग्लादेश. इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 57 देखे. On which date the 2018 International Anti-Corruption Day was observed? December 9. Correct option is B. Question number 58 देखिए. Question number 58 blank space है. Is the first country in the world to organize orphan trafficking as a form of modern slavery? Australia. करेक्ट ऑप्शन इज सी. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 59 को देखें. क्वेश्चन नंबर 59, यूएस मेक्सिको एंड कनाडा, इस खाली जगह में कनाडा आता है, साइन USMCA टू रिप्लेस नाफ्टा. करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके क्वेश्चन नंबर 60 को देखें दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 60, दिस वन, Who inaugurated the IDEA 2018 International Defense Exhibition and Seminar at Karachi Expo Center on 27 November 2018? ये क्वेश्चन ऊपर गुजर चुका है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ एलवी. क्वेश्चन नंबर 62 को देखें दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 62, दिस वन, Recently, Pakistan has been elected as a member for the Council of for a four-year term 2019-2022 after securing 155 of out of 177 votes in November 2018. So, इसमें correct option option B है दोस्तों, International Telecommunication Union. Similarly, question number 63. Who has been appointed as new Afghan envoy to Pakistan by Afghan government? Correct option is Mashal Khan, option A. So, ye the dosto video number 1 ke takriban 23 questions iske ho gaye aur page number 2 mein takriban 26 questions hai. To dosto agar bhi video aapko pasand aayi to please channel ko subscribe karke video ko like aur share lazmi kare. इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें
مزید جن دوستوں کے ساتھ اس طرح کے پیپرز پڑے ہیں وہ مجھے سینڈ کر دیں, میں اس کو حل کر کے اپلوڈ کرتا جاؤں گا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینک یو فار واچنگ.